हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेस। तो ये आज का हमारा दूसरा वीडियो है और इसके थ्रू हम आपके साथ दो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं वो शेयर करेंगे। उसमें से एक प्राइवेट स्कूल है जहां पे उन्होंने जो आने वाला सेशन है उसके लिए रिक्रूटमेंट डाली हुई है। काफी सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं जो सेशन 2021 के लिए, और जो दूसरा है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वहां पे जो सैलरीज हैं वो बहुत ही अच्छी वो लोग पे करते हैं कंपेरेबल टू गवर्नमेंट, और आप सर्टेनली उसमें अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन डालना। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जो कि आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, जिससे जो हम वैकेंसीज डालते हैं डेली बेसिस पे वो आप मिस नहीं करेंगे और वो वीडियोज आपके पास आते रहेंगे। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। सबसे पहले हम स्कूल की बात करते हैं। ये स्कूल की वेबसाइट हमने ओपन करी हुई है और जो वैकेंसीज उन्होंने डाली हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं सेशन है 2021, जो कि क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं मोस्टली स्कूल्स में, इसीलिए रिक्रूटमेंट और बाकी जो प्लानिंग है वो भी शुरू हो गई है। तो जो वैकेंसीज इन्होंने डाली हैं उसमें एक उनको चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, उसकी डिटेल दी हुई है कि किस तरह की क्वालिफिकेशंस वो देख रहे हैं। तो आपका ग्रेजुएशन जो है फाइन आर्ट्स में कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा है स्कूल काउंसलर, उसकी भी जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल में मेंशन करी हुई है। मास्टर्स इन साइकोलॉजी आपको चाहिए और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके नीचे जो पोजीशन है वो डांस टीचर के लिए है क्लासिकल, तो आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए डांस में और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके नीचे उनको पीआरटी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और उसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि आपकी ग्रेजुएशन बीएड के साथ कंप्लीट होनी चाहिए और 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें अप्लाई करने की। और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो उनको पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, तो 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस उसमें चाहिए, मास्टर्स डिग्री और साथ में बीएड। फिर फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव नॉन एकेडमिक पोस्ट है। फिर एक पीआरटी कंप्यूटर साइंस, इसमें आपकी ग्रेजुएशन कम से कम कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। टीजीटी मैथ्स एक चाहिए उनको, तो ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री इन मैथ्स प्लस बीएड एंड देन 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। बीइंग अ प्राइवेट स्कूल दे प्रेफर द पीपल विद एक्सपीरियंस एंड दैट इज वेरी यूजुअल अक्रॉस ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। फिर एक पीजीटी सोशियोलॉजी उनको चाहिए, जिसमें मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। PRT मैथ्स ग्रेजुएशन और मास्टर्स प्लस BEd प्लस 2 to 3 years एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। फिर एक PGT इंग्लिश उनको चाहिए, उसमें MA BEd और साथ में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। फिर एक प्री प्राइमरी टीचर उन्होंने मेंशन करा हुआ है BEd और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। TGT हिंदी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन और मास्टर्स प्लस BEd। म्यूजिक टीचर, फिर एक PGT हिस्ट्री उन्होंने लिखा हुआ है, एक PRT हिंदी, PRT इंग्लिश, PGT कॉमर्स, फिर PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री एंड PGT इंग्लिश और TGT SST। सो बहुत सारी वैकेंसीज उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई हैं, बट एज यूजुअल कोई लास्ट डेट इसके ऊपर मेंशन नहीं है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पोजीशन अभी भी ओपन है, बट आप सर्टेनली अप्लाई करने से पहले अगर आप चाहें तो खुद से एक बार चेक भी कर सकते हैं स्कूल के साथ, क्योंकि ये हम उनकी वेबसाइट के थ्रू आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है। ये स्कूल है इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल, काफी सारी ब्रांचेस हैं इनकी दिल्ली और NCR में, और ये वाला पर्टिकुलरली क्रॉसिंग रिपब्लिक वाली ब्रांच के लिए है जो कि गाजियाबाद में पड़ता है, दिल्ली के पास पड़ता है। तो अगर आप दिल्ली NCR में कहीं रहते हैं तो आप सर्टेनली कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन का एक टैब दिया हुआ है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना रिज्यूमे ईमेल कर दीजिए उनके इस ईमेल आईडी पर, या फिर आप ये जो फॉर्म नीचे दिया हुआ है इसको फिल कर दीजिए अपना और उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। तो अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन दे विल गेट इन टच विद यू। तो ये आपको मेल तो करना ही पड़ेगा रिज्यूमे, क्योंकि इसमें फॉर्म के अंदर जो है अपलोड करने का ऑप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा है मुझे, तो आप ये ईमेल करना है और ये फॉर्म भी फिल करके सबमिट करना है। तो ये स्कूल वाली वैकेंसी थी। दूसरी जो वैकेंसी एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये हमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करी हुई है और ये वैकेंसी हमने एक बार पहले भी डाली थी, कब से करीब 1 महीना पहले। अगर आपने वो मिस कर दिया था तो आप सर्टेनली इसमें
अब अप्लाई करने का कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये नया कैंपस है और बहुत सारी वैकेंसीज वहां पे हैं। सैलरीज अगर इसमें देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 65,000 है जो ग्रेड वन है स्टार्टिंग पे, असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर ग्रेड में अराउंड 78,000, एसोसिएट प्रोफेसर 1,04,000 एंड प्रोफेसर ग्रेड वन 1,36,000 रुपीज। फिर आपको एचआरए वगैरह भी वो पे करते हैं, डियरनेस अलाउंस भी पे करा जाता है, फिर परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन आपको पे किया जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ईपीएफ उसमें रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, लीव एनकैशमेंट, फिर जो पेड वेकेशन वो पे करते हैं और स्टे ऑप्शन, वो लोग मतलब वहां पे अभी जो फैकल्टी हॉस्टल्स हैं, फैकल्टी क्वार्टर्स हैं, वो भी वहां पे बन रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी सैलरीज वो पे करते हैं। और ये है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आंध्र प्रदेश कैंपस में, जो कि उनका नया कैंपस वहां पे बना है और वहां पे अभी जो एकेडमिक सेशन है वो शुरू होने वाला है। अप्लाई करने के लिए ईमेल आईडी उन्होंने दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने अपना रिज्यूमे भेजना है। जितनी ज़्यादा डिटेल उसमें मेंशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपके रिसर्च पब्लिकेशन है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपका जो एकेडमिक्स है उसको तरजीह दी जाती है सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। जो वैकेंसीज हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेजेस में वैकेंसीज हैं, तो लैंग्वेजेस में इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, जर्मन और चाइनीज, इसमें पीएचडी प्रेफर करा जाएगा और आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बिजनेस मैनेजमेंट में वैकेंसीज हैं अलग अलग पोजीशंस पे, और जो स्पेशलाइजेशन है उसमें बिजनेस एनालिटिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो इफ़ यू क्वालिफाई यू कैन अप्लाई फॉर दैट। साइंसेस जो उनका डोमेन है, फैकल्टी है, वहाँ पे वैकेंसीज है मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए अलग अलग पोजीशंस पे, उसके लिए भी पीएचडी मैंडेटरी है, तो आप सर्टेनली इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग में उनका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वैकेंसीज है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में वैकेंसीज है। तो अगर आप हायर एजुकेशन में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी दैट वी हैव इन द कंट्री। फ्रॉम सैलरी परस्पेक्टिव यू कैन लुक एट इट, और बाकी जो आपका जो फैसिलिटीज वो लोग देते हैं वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप कंपेयर कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वेबसाइट आप नोट कर लें, vitap.ac.in, उसके बाद रिक्रूटमेंट में जाइए, फिर फैकल्टी रिक्रूटमेंट में, तो ये आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है, आपने उनका जो ईमेल आईडी हमने नीचे दिखाया उसके ऊपर आपने ईमेल करना है अपना रिज्यूमे और बाकी डॉक्यूमेंट्स, and then they will respond to you if your profile gets shortlisted. So hope ye aapke liye useful tha. We'll again come back to you with some more vacancies. Thanks for watching.